रियासत में आने वाले असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी भी हिस्सा लेगी। पंजाब में शानदार कामयाबी दर्ज करने के बाद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की ज़ेर हिफाजत सियासी जमात अब तेलंगाना की 119 असेंबली हलकों में उम्मीदवार खड़ा करेगी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सोमनाथ भाटी ने, जो तेलंगाना के दो रोज़ा दौरे पर हैं, हफ्ते को हैदराबाद पहुँचे और वह मुख्तलिफ कायदीन से तबादला ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने असेंबली के रूबरू गन पार्क पर वाक़ शहीदान तेलंगाना की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। मीडिया से बातचीत करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा कि टीआरएस हुकूमत और बीजेपी की मरकजी हुकूमत दोनों आवाम की तवक्कात को पूरा करने में नाकाम हो गई हैं। सोमनाथ भारती ने कहा कि जो लोग दस्तूर और कौमी तिरंगे को नहीं मानते उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। चूंकि हमारी पार्टी के पास एक ऐसा एसेट है जो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, वह ईमानदारी। आम आदमी पार्टी की जो ईमानदार पॉलिटिक्स है उसके कारण हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते कि हम 10 जगह चुनाव इकट्ठे लड़ लें। अब जाकर के एक पूर्ण राज्य अरविंद जी के हाथ लगा है, आम आदमी पार्टी के हाथ लगा है, हमारा अपना मुख्यमंत्री वहाँ बना है। अब हमारे पास एक मॉडल, चूँकि हम और पार्टियों की तरह नहीं है, अंबानी अदानी के पैसे से नहीं पल रहे हैं, हम तो आम आदमी पार्टी के जो डोनेशंस हैं वो आम आदमियों से आते हैं। तो यही कारण से अब जो पंजाब में एक इनकलाब आया है 117 सीटों के अंदर, उसके बाद अब माहौल बन गया हर तरफ, हम पूर्ण रूपेण पूरे ताकत के साथ हर जगह लड़ेंगे। तो ये इसी कारण से तेलंगाना में भी मेरा आगमन हुआ है और बहुत उत्साहित हैं यहाँ के लोग, बहुत आशान्वित हैं यहाँ के लोग, बहुत होपफुल हैं कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही हमारे दुखों का समाधान करेगा। क्या तेलंगाना आप लड़ेंगे? मैंने कहा ना कि अभी जो हम ये 14 तारीख को हम लेंगे पदयात्रा, उसमें हर घर पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। हमारा रणनीति डिफरेंट है, हम कुछ बांटते नहीं हैं, कुछ पैसा से वोट नहीं खरीदते, दारू नहीं बांटते, बिरयानी नहीं बांटते, जैसे हजूराबाद में 3000 करोड़ खर्च किया एक पार्टी ने, पता ना आपको, तो हमने हमारे तो पैसा है नहीं। हम घर घर जाएंगे, सबको मनाएंगे और हर व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे। మేడం 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 కొంచెం జరిపి संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।